अगर जैसा कि तुमने वीडियो का थंबनेल देख लिया, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने गेमिंग माउस के ऊपर, जो कि मेरा आने वाला है और उसकी मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा, ठीक है। और तुमको ये भी बताने वाला हूँ कि जो माउस है वो किस तरीके से वर्क करता है, आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो आज का ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग है, ठीक है, बहुत ही शानदार होने वाला है, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आएगा तुमको, क्योंकि मेरे यहाँ पर मकान का काम चल रहा है। और ये भाई साहब, तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि ये मेरे मतलब मकान बनाने वाले हैं, तो ये लक्ष्मण भैया हैं, देखो इनकी मुस्कुराहट देखो तुम तो ये इस मकान को बना रहे हैं, ठीक है। मकान के ऊपर मैं बाद में पूरा ब्लॉग बना के डाल दूंगा तुमको। वैसे होने वाला है गेमिंग माउस के ऊपर ब्लॉग होने वाला है, लेकिन पता नहीं मैं तुमको क्या क्या दिखा रहा हूँ। तो चलो अपन अभी करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, और मैं सीधा लेके चलता हूँ तुमको अपने गेमिंग माउस के पास। तो चलो फाइनली अभी अपन चलते हैं माउस को लेने। मेरे डिलीवरी वाले का कॉल आ गया कि भैया तुम्हारा माउस आ गया और तुम यहाँ पर उसको लेने आ जाओ। तो ये मेरे गांव का रास्ता है, यहाँ से सीधा नेशनल हाईवे भी निकलता है, ठीक है, वो तुमको मैं सड़क दिखा दूंगा। और यहाँ से तो रास्ते से तुम देखना ये डिलीवरी वाला जा रहा है, ठीक है। मैंने इसको आवाज़ भी दी थी कि भाई रुक जा, लेकिन ये सुना ही नहीं। मेरे को क्या बोला था, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये रास्ते से होकर निकल के जा रहा था। अब मैंने वापस इसको कॉल किया कि भाई मैं यहीं रास्ते में खड़ा हूँ, तू निकल गया है। वापस से इसको मैंने कॉल करके बुलाया, वापस आ रहा है, देखो वहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये मेरे गाँव का ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से ऊपर की साइड अलग रोड है और नीचे की साइड अलग रोड है। अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, अब देखना तुम कितनी स्पीड में आएगा। भाई इसने लगा लो धूम फोर वाली बाइक बना दी और फाइनली यहाँ पर आ गया है। अभी मैं इससे लेता हूँ अपना पार्सल और उसके बाद अपन करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। और रास्ते में मेरे को मेरा दोस्त मिल गया, इसका नाम है रामदेव, जो कि मेरे साथ पढ़ा था, ठीक है। लेकिन भाई ये जब भी मिलता है ना मेरे से, तो मेरे से हमेशा ये पूछता है कि तेरे चश्मे माइनस के हैं प्लस के। और मैंने इसको कम से कम 50-60 बार बता दिया कि भाई मेरे चश्मे जो हैं वो प्लस के हैं। तुमको एक इंटरेस्टिंग सी बात और बताता हूँ कि जब ये मेरे साथ पढ़ता था ना, उस टाइम पे तो ये बहुत भयंकर वाला ब्रिलियंट था, यानी क्लास का टॉपर था। अभी के टाइम पर इसका दिमाग सटक गया, भाई बार बार यही पूछता है कि ये प्लस के चश्मे या फिर माइनस के हैं, तेरा नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा। भाई इसको पता नहीं मेरे चश्मों से क्या दुश्मनी हो गई। बैकग्राउंड का वॉइस भी सुनाता है, फिर बैकग्राउंड में जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ सुनाता है, लेकिन पास में डीजे बज रहा था तो इसकी आवाज़ आ रही थी। तो मेरे को डर लग गया कि कहीं ना कहीं पर कॉपीराइट आ जाएगा, फालतू में वैसे स्ट्राइक पड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड को वो हटा दिया। और इसको देखो क्या ही भाई वीडियो बनवा रहा है एकदम ओपी लेवल तरीके से। तो ये और डब्बा, ठीक है, इसको मैं डब्बे को ले आया हूँ, इसमें मेरा माउस है। तो चलो अभी मैं पूरा मेरे पैक किया, ठीक है, मैं अभी देखा नहीं खोल के, तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। इसको मैं अनबॉक्स करके, अरे यार ऐसे सही नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर ये बिल है, तो इसको अपन साइड रखते हैं, ये बिल है, बिल को भी अपन साइड रखते हैं। अभी मैं तुमको ऐसे नहीं, ठीक है, मैं अपने तरीके से करके दिखाता हूँ इसको, ऐसे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेरा फेस अब बंद करो और मैं माउस को दिखाता हूँ सीधा तुमको। तो ये रेजर कंपनी का माउस है, ठीक है, रेजर कंपनी का माउस है ये। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं तुमको लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है, पीसी में पूरा। तो ये फाड़ता हूँ, कलीम कैमरा है ये, यहाँ से मैं इसको निकाला और इसके अंदर है। ये इसके अंदर मेरा माउस है। भाई इसकी कितनी पैकिंग आई है देखो, साथ वायर भी आया, ठीक है, इसमें वायर है, इसका वायर देखो एकदम सही है भाई, और इसमें लगाने का भी है, देखो वायर एकदम यूनिक वाला है एकदम। और इसकी केबल यार पहले की माउस की कुछ अलग आई थी, ये वाला माउस आया है इस बार। अब इसमें लाइटिंग वाइटिंग है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसके मैं चलो मैं तुमको इसको पूरा लगा के दिखाता हूँ। पहले जो का मेरा जो माउस है ना वो मेरे पास ये वाला है, ठीक है, इसमें देखो लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ है, इसमें लाइटिंग, इसकी मतलब लाइटिंग वो आरजीबी वाली है, इसमें चेंजेस होती रहती है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर भी बटन है, यहाँ पर इसके दो बटन है, साइड में भी दो बटन है इसके, और एक यहाँ पर भी बटन है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बटन और इसमें, जो कि मतलब गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट माउस लगा मेरे को यहाँ पर। इसमें बेस्ट साइड में जनरली दो बटन आ रहे हैं, ठीक है, देखो इसमें दो बटन है इसमें और इसमें, लेकिन इसमें तीन बटन है साइड में अपने फिंगर के बाद, और इसमें ऊपर एक भी बटन नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर भी दो बटन है, एक बटन यहाँ पर एक बटन यहाँ पर। और ये इस तरीके से लाइटिंग करता है। अब इसको मैं लगा के दिखाऊंगा कि ये लाइट जलती है या नहीं जलती इसमें। तो चलो अभी अपन इसको पीसी में सेट करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलो अभी मैं इसका जो वायर है ना उसको निकालता हूँ, ठीक है, पीछे इसमें वायर लगा हुआ है, माउस वाला वायर, इसको मैंने निकाल दिया। वैसे माउस वाला वायर यहाँ पर लग गया था, ठीक है, तो मैं इस वायर को यहीं पर लगाऊंगा ऊपर ही। तो ऊपर मैंने यहाँ पर इसमें ये माउस वाला वायर लगा दिया, इसमें भी लाइट जलती है, ठीक है, इसमें भी लाइट जलती है, लेकिन इसकी तरह लाइट नहीं जलती, इसमें एक तरीके अलग ही लाइटिंग जलती है, और इस वाली अच्छी वाली लाइट जलती है, ठीक है, ये देखने में भी यूनिक लग रहा है, लेकिन ये जो मैं न्यू मंगाया है ये यूनिक नहीं है, मतलब ये इससे बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। लेकिन इसके मैं रिप्लेसमेंट में ना, ये पहले मेरे को गलती से ऑर्डर हो गया, मैंने ये मंगाया था ये वाला माउस, लेकिन गलती से आ गया, पर वापस से मैं रिप्लेसमेंट किया तो इसकी जगह पर वापस से ही आ गया। तो देखो अगर तुम मेरी राय पूछो कि कौन सा वाला गेमिंग माउस बेस्ट है, तो मेरे लिए तो ये वाला, ठीक है, जो मेरा पुराना वाला है, ये भी रेजर कंपनी का ही है,
और इसमें क्या है कि एक RGB लाइट है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा बटन भी है, यहाँ पर, यहाँ पर भी बटन है, दो बटन यहाँ पर और दो बटन तुमको यहाँ पर भी दिए जाएंगे। माउस तुम्हारा वर्क करता है, इसमें भी बटन होता है, ठीक है, अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसमें भी बटन होता है और आगे पीछे होता ही है, तो ये सबसे बेस्ट है। और ये जो वाला मैंने न्यू मंगाया है, ये वाला भी बेस्ट है, जो कि मैं पहले यूज़ करता था, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें फीचर है, ठीक है, और ये मतलब अच्छे तरीके से DPI VPI भी ज़्यादा है इसमें, इसमें DPI कम है, इसमें DPI ज़्यादा है। तो एक बार ये तो नया वाला तुमने देख ही लिया, अब मैं तुमको पुराना वाला करके दिखाता हूँ। इसको मैंने नए वाले को हटाया और अभी अपन पुराने वाले को, ठीक है, और इसकी वायरिंग भी शानदार है, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे लगा देता हूँ क्योंकि परमानेंट में इसको यूज करने वाला हूँ, पुराने वाले को, न्यू वाले को मैं रख दूंगा। अब तुम देखो नए वाले की लाइटिंग, देखो तुम नए वाले की लाइटिंग एकदम शानदार है, इसमें ये चेंज होती रहती है, ठीक, कभी ब्लू, कभी नीली, कभी पीली, कभी लाल, कभी सफेद, कभी कुछ अलग अलग तरीके से। और यार देखो, अगर तुमको ये वीडियो यहाँ तक थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर तुम अपने भाई को थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो यार लाइक वाला बटन दबा देना, और चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी और प्रेशर कर देना, ठीक है, बस क्लिक कर दो, देखो ऐसे इस टाइप से यू क्लिक करना है, बस तुमको कर देना सब्सक्राइब याद से, ठीक है। तो ये वाला गेमिंग माउस बेस्ट है, इसकी लिंक मैं तुमको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और हेडशॉट तुम मेरी देखते हो, ठीक है, कल मोन्टेज की वीडियो देखते हो, वो सब कुछ इसी से खेलता हूँ, और एक तरीके से मतलब ये लगा लो बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है। इसकी प्राइस है वो 1400 रुपये, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तुम्हारे लिए बेस्ट गेमिंग माउस है ये, 1400 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। और इसका लुक बुक एकदम ओपी लेवल का, नेक्स्ट लेवल का। ये मेरा गेमिंग सेटअप है और अभी मतलब ये इस तरीके से दिखता है, जब मैं लाइट बंद कर देता हूँ तब एकदम इसका ओपी लेवल का मजा आता है इसको देखने में। तो अभी मैं चलो तुमको लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से ये लाइटिंग मतलब ये मेरा गेमिंग सेटअप है, ठीक है। अभी मेरा जो न्यू मकान बन रहा है मैं वहाँ पर सेटअप करूंगा, उसका मैं तुमको एक पर्सनली ब्लॉग बना के डाल दूंगा, लेकिन अब मैं जब इसको लाइट बंद करता हूँ तब एकदम नेक्स्ट लेवल का दिखता है। तो अभी मैं तुमको लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ, ये लाइट बंद करने पर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मेरा गेमिंग सेटअप और ये मेरी चेयर है जो कि इस पर मैं बैठ रहता हूँ, ये मेरी गेमिंग चेयर है और ये मेरा PC है। और ये तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिला है, अब अगर तुम थोड़ा सा सपोर्ट और दिखाओगे तो मेरे को गोल्ड प्ले बटन भी मिल जाएगा। तो यार अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाया करो। तो जाते जाते बस तुम सभी से एक ही बात बोलूँगा कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर याद से कर देना अभी के लिए। तो गाइस जैसा कि तुमने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख लिया, तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक छोटा सा ब्लॉग जो कि मेरे गेमिंग माउस के ऊपर होने वाला है, मेरे आँख में भैंस देखा। तो गाइस जैसा कि तुमने वीडियो का थंबनेल देख लिया, आज के इस वीडियो में बात मैं दिया कर दी सर। तो गाइस जैसा कि तुमने वीडियो का थंबनेल वो देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने माउस के ऊपर जो कि मेरा गेमिंग माउस आने वाला है। नहीं दोबारा आखन वास आ रहे मेरे। तो गाइस जैसा कि तुमने वीडियो का थंबनेल वो देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने गेमिंग माउस के ऊपर जो कि आने वाला है मेरे, यार पता नहीं आंखों मास्क में से हवा निकल रही है, बाबू आ रहा है सुबह तो तुम्हारा मास्क पहन। अब सही है। सीधा का कैमरा है। हाँ